ओके, सो सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रूफ हम दो तरह से कर सकते हैं रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल या फिर एंगल एंगल एंगल, एंगल प्रॉपर्टी तीनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दो या तो या किसी भी दो डायग्राम्स की रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कर दो तो वो क्या हो जाता है वो सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रूफ हो जाता है ऑल राइट बच्चों अभी तो दे देखो मेरे साथ कि हमने किसी भी दो ट्राइंगल्स को इक्वल कैसे प्रूफ करना होता है आ, सिमिलर कैसे प्रूफ करना होता है और अगर सिमिलर हो अच्छा इधर पहले मैं हम रूल्स पूरे सुन लेते हैं सो इफ सिमिलर अब जरा रूल्स गौर से देखिएगा तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ए वन ओवर ए टू इज इक्वल्स टू की रेशो वाले अब वो क्वेश्चंस आ गए वन ओवर एल टू होल स्क्वायर Where L1 and L2 are ratio of corresponding sides, similar then they must have a common height. तो फिर एरिया की रेशियो का फॉर्मूला होगा ए वन ओवर ए टू इज इक्वल्स टू बेस वन ओवर बेस टू एंड देयर विल बी नो स्क्वेयर्स ठीक है अच्छा अब क्योंकि ये ट्राइंगल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे वॉल्यूम और मैं मैथ्स वगैरह नहीं लिख रहा ठीक है वो सिमिलर शेप्स होती हैं वो है वो डिफरेंट चीज है ये सिर्फ ट्राइंगल्स की बात हो रही है ये शेप्स की टू डी शेप्स सो इनमें से एरियाज की एरिया पूछते हैं सो so, अगर तो सिमिलर होगा तो ए वन ओवर होल स्क्वायर अगर सिमिलर नहीं होगा तो ए वन ओवर एट फॉर्मूला चेंज हो जाता है का ये वो चीज है जो तुम लोगों को वहां वेक्टर्स के क्वेश्चंस में तंग कर रही होती है ठीक है अच्छा हम देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरह का बनता है जी बेटे ये देखे दीज टू दू ट्राइंगल्स बिलो आर सिमिलर ये रिसेंट एक क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ठीक है अगर कोई दो ट्राइंगल्स बेटे सिमिलर हों तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंस की रेशियो क्या होती है इक्वल रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लेंस इज इक्वल ये हमने मेंसुरेशन में भी डिटेल में पढ़ा होता है

जी भाई ये बी की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ बताए जरा क्या होगी बी की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ये देखिए सिंगल मार्क और एम टी एंगल के बीच में बी की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ आ गई क्या आई बी ओवर 10.5 बिल्कुल ठीक है तीसरी कॉरस्पोंडिंग लेंथ क्या बच गई 5 ओवर ए अब अगर आपने ए और बी फाइंड करना है तो दो अलग अलग इक्वेशंस में लें

42, b बी इज इक्वल टू आ जाएगा b की वैल्यू यहाँ से सिक्स आ गई सो so, पहली प्रॉपर्टी तो जो आपको फॉरन अप्लाई करनी आनी चाहिए कि अगर और ये रीसेंट पेपर का क्वेश्चन है ये कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है ये बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन है सो so, बेसिक सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आनी चाहिए कि आपने हमेशा पहले ये देखना है बेटे कि आपने रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ जो होती है बेटे वो इक्वल होती है अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का आ, जी बेटे ये देखो दीज टू ट्राइंगल्स ये जो दो ट्राइंगल्स हैं बेटे ये हैं सिमिलर ठीक है जी अच्छा ये कर सिमिलर है ठीक है तो जो थ्री के साथ लेंथ जा रही है वो एक्स है ठीक है और ये इधर ये सिमिलर है, है अच्छा अब सिमिलर से कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो अच्छा ए बी सी इज सिमिलर टू एक्स वाई जी अब आपने लाजमी नहीं होता कि डायग्राम से कॉरस्पॉन्डिंग लेंस देखनी हो हम डायग्राम के बगैर भी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंस देख सकते हैं हम डायग्राम के बगैर भी कॉरस्पॉन्डिंग पहले दो अल्फाबेट्स इधर के पहले दो अल्फाबेट्स और इधर के पहले दो अल्फाबेट्स इनको डिवाइड कर दें अब कॉरस्पॉन्डिंग लेंस दिखाने लगा क्या ए बी ओवर अच्छा लास्ट टू और लास्ट टू बी सी और एक्स वाई, ये भी दोनों कारिस्पॉन्डिंग है फिर एक ही रह गया फर्स्ट एंड लास्ट इधर का भी फर्स्ट एंड लास्ट पिक कर लो ए सी ने और इधर का भी फर्स्ट एंड लास्ट पिक कर लो जी जी सिमिलैरिटी है बिल्कुल वाई जी सी एस सी में क्या हो गया ए सी ओवर एक्स सी ओ वाइजी लिखना था सॉरी 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 मैं ठीक करता हूं जी अब जरा देखना सो so, आप नेम से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बता सकते हो और हम हमेशा नेम से ही बताया करेंगे ज्यादा एक्यूरेट होता है पिछले क्वेश्चन में नेम से क्यों नहीं बताएं? क्योंकि पिछले नंबर पिछले क्वेश्चन में ट्रायंगल्स के नेम थे ही नहीं सो so, जब भी हमारे बताया करेंगे right. अच्छा। आ, आ, तो पता चल गया। एक बात तो समझ आ गई हमें ठीक अच्छा, हम है अच्छा अब इसके देखें ए बी के कॉरस्पोडिंग कौन सी लेंथ है एक्स वाई ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी लेंथ है x y ab notice करेंगे तो किन्हों एंगल्स के बीच में था ab notice करें किन्हों एंगल्स के बीच में था ये double mark और x वाले तो that means मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए था यहाँ पे x बनना चाहिए था क्योंकि ab और xy अगर corresponding थे तो ab के जो बाहर वाला end है वहाँ पे x था तो इधर xy के भी बाहर वाला end जो होगा वो क्या हो ठीक हो गया अच्छा अब देखें अगर मैं ए बी सी और अब ये वाला लेंथ फिर क्या लिख सकते हैं हम ये वाला सो अब नाउ वी नो दाइंगल ए बी सी प्लस एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू वन एटी तो यहां से आप एबीसी की वैल्यू निकाल ए बी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई देनी थी दैट विल बी वन एटी माइनस एक्स माइनस वाई अच्छा ये तो सिमिलरिटी से इसका कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं था सिर्फ वो शो करवाना था कि आपने वन एटी माइनस एक्स माइनस वाई आएगा ए बी सी अच्छा अब अगर बी सी फाइंड करना है तो वो कैसे करना है ज़रा देखना जिन चीजों की वैल्यू पता है वो लिख लो ए बी की वैल्यू पता है आपको थ्री है ठीक है बी सी की वैल्यू नहीं पता आपको एक्स वाई की वैल्यू पता है आपको फोर है और वाई जी की वैल्यू पता है फाइव तो अब देखो ये इक्वेशन यूज कर लोगे नीचे अगले पार्ट के लिए थ्री ओवर फोर इज इक्वल्स टू बी सी ओवर फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे फोर बी सी इज इक्वल टू फिफ्टीन बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिफ्टीन ओवर फोर लें जी आखिरी बात पढ़ते हैं राइट डाउन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जी कौन सा फॉर्मूला लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए वन अब एरियाज की रेशियो आ गई अब पहला सवाल पूछो आर दे सिमिलर और नॉट यस दे आर सिमिलर अगर एरियाज में सिमिलर हो तो क्या लगना होता है ए वन ओवर ए टू क्वल टू एल वन ओवर एल टू होल स्क् ठीक है सो so अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हुई तो उनपे एरिया का फॉर्मूला क्या है ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू एल वन ओवर एल टू होल स्क् एल वन और एल टू क्या थी वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड थी तो देखते हैं जी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड ऊपर चल के देख लेते हैं जी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड क्या नजर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का पेयर गिवन है आपको बिल्कुल गिवन, गिवन so, ले जाना है आपने का 9, 4 का 16. तो आपका आंसर आ जाना नाइन ओवर सिक्सटी ठीक है सिंपल एक मार्क का आंसर होता है उसमें कोई वर्किंग नहीं है कुछ नहीं है So, आपने देखना है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जब भी एरियाज की रेशियो मांगेंगे तो ए वन ओवर ए टू इज इक्वल्स टू एल वन ओवर एल टू होल अच्छा, अच्छा इधर आज आप रेशियो ऑफ एरियाज फाइंड करनी है अब मुझे देख के बताओ आर दीज ट्राइंगल्स सिमिलर और नॉट

ठीक है कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है अच्छा अब ये नहीं है सिमिलर तो ऑफ क्या नॉट सिमिलर तो दे मस्ट हैव अ कॉमन हाइट ठीक है अब ये जरा ऊपर पढ़ा हूं मैं पहले पहले नोट्स रिवाइज करना चाहते हो जरा नोट्स देख लो जो शुरू में लिखे थे ये पूरे चैप्टर के बस ये इतने से नोट्स हैं ये ये इतने से नोट्स हैं पूरे चैप्टर के जी अगर सिमिलर ना हो मेटे

हाइट फ्रॉम हेयर ठीक है बेटे जरा मुझे नोटिस करके बताना ये छोटे ट्राइंगल की हाइट यही बन रही है ये रेड वाली हाइट है ना इसकी मुझे जरा नोटिस करके बताना है, ये येलो वाले ट्राइंग, बड़े ट्राइंगल की भी हाइट यही बन रही है एबीसी की भी हाइट यही बन रही है नजर आ गई सबको दोनों की कॉमन हाइट है इफ दे हैव अ कॉमन हाइट इसको बोलते हैं ये कॉमन हाइट वाला केस है

एट कितना होता है बेटे थर्टीन ओवर बेटे छोटे ट्राइंगल की बी डी सी की बेस कितनी ठीक है अब बेटे आप सबको याद आए जो लोग इतने ज्यादा जोर से मुझे कह रहे थे वेक्टर्स वाले चैप्टर में कि सर एरियाज करवाएं रेशियो ऑफ एरियाज करवाए उसका बेटे वेक्टर्स से कोई ताल्लुक नहीं है उसका ताल्लुक इस चैप्टर से है और रेशियो ऑफ एरियाज के ये दो रूल्स हैं सिर्फ